हूं प्राइम डिबेट। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और भारत सरकार के बीच लगातार तनातनी जारी है। सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद का साफ तौर पर कहना है कि अगर ट्विटर को भारत में काम करना है तो संविधान के दायरे में रहकर ही करना होगा। बड़ी बात यह है कि सिर्फ ट्विटर ही नहीं, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी गलत खबरों को प्रसारित करने का बड़ा बाजार बन गया है और इन गलत खबरों की वजह से देश के सामाजिक सौहार्द को कहीं ना कहीं चोट लगी है। बड़ी बात यह है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष या फिर जनता, सभी को यह सोचना होगा कि बोलने का स्वतंत्रता के साथ कुछ जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखना पड़ता है। गाजियाबाद की घटना इसका एक ज्वलंत उदाहरण है और इसी के साथ जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो कितना सही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर हमारी ये खास रिपोर्ट पर। इस समय भारत में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और भारत सरकार के बीच जंग जारी है। कभी किसी सत्ताधारी दल के राजनेता का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर देना, तो कभी फर्जी खबर को लेकर विपक्षी समेत कई लोगों का ट्विटर पर ट्वीट कर सरकार की छवि को धूमिल करना, ये बातें ऐसी हैं जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि सरकार और ट्विटर के बीच जंग चल रही है। अभी हाल ही में गाजियाबाद की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद फिर से सरकार की नजर ट्विटर पर टेढ़ी हो गई है। गाजियाबाद में एक धर्म विशेष के व्यक्ति की दाढ़ी काट दी गई, उसकी पिटाई कर दी गई, जिसके बाद ये मुद्दा सोशल मीडिया पर छा गया और कुछ लोगों ने खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए सरकार को सीधे दोषी ठहरा दिया। जब जांच हुई तो पता चला कि मामला कुछ और ही है, जिसके बाद अफवाह फैलाने वाले लोगों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करने का मूड बना चुकी है। बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले ने सियासी रंग ले लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसे लेकर हमला बोला है। राहुल ने इसे शर्मनाक बताया है। वहीं राहुल गांधी पर सीएम योगी ने पलटवार भी किया। सीएम योगी ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने जीवन में कभी किया नहीं। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा, शर्म आनी चाहिए कि पुलिस की ओर से सच्चाई बताए जाने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं, सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है जब सोशल मीडिया, खासतौर से ट्विटर के जरिए विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन सरकार ने विपक्ष पर गलत खबर को प्रसारित करने का आरोप लगाया है। असल में भारत के संविधान में वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है और ये मौलिक अधिकार भी है, लेकिन यहाँ तक जानना ही काफी नहीं है। इस मौलिक अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। किसी बात को सोशल मीडिया में रखने से पहले ये प्रतिबंध लोगों को शायद मालूम नहीं रहते हैं, जिसके चलते समस्या खड़ी हो जाती है, जिसके बाद सरकार को एक्शन लेना पड़ता है। कई बार इस बात का जिक्र किया गया है कि सोशल मीडिया पर बिना तथ्य के कोई खबर प्रसारित और प्रचारित ना की जाए, लेकिन हर बार ये समस्या सामने आती है। लेकिन इस जिम्मेदारी से यूं मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। एक गलत खबर समाज के सौहार्द को बिगाड़ सकती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो लगातार ट्विटर इसी को लेकर विवादों के घेरे में, जिस तरह से कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रंग दिया गया गाजियाबाद के विवाद को, उसको लेकर भी ट्विटर को अब जवाब देना होगा। एमडी महेश उनको तलब किया गया है कि 7 दिनों के अंदर जवाबदेही स्पष्ट करें कि किस वजहों के चलते ये फेक न्यूज को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या सांप्रदायिक रंग देना और इस तरह से जो फेक न्यूज को बढ़ावा मिलता है, क्या वो भारत के लिए सही है।
तो आपसी विवाद को क्यों सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है और जो ट्विटर के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो कितने सही हैं, आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा का आगाज करते हैं और आज हमारे साथ प्राइम डिबेट में शामिल हो रहे हैं भाजपा नेता केसी जैन, साथ ही साथ सपा नेता विवेक पांडे जी जुड़े हैं और इसके साथ ही आज हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं रुद्र प्रताप दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले मैं तो रुद्र प्रताप जी आपसे मैं सवाल करूंगी कि आपको क्या लगता है जिस तरह से कहीं ना कहीं ट्विटर को लेकर जो जिस तरह से उनकी मनमानी सामने आ रही है, आप एक तरह से कह सकते हैं मनमानी क्योंकि गाइडलाइंस जारी की गई थी सरकार के द्वारा कि आपको माननी पड़ेगी जब बाकी सोशल मीडिया उसको फॉलो कर सकते हैं, तो ट्विटर ने वो गाइडलाइंस क्यों फॉलो नहीं करी और इस तरह से क्यों लगातार अपनी मनमानी जो ट्विटर की है, चाहे वो ब्लूटूथ हटाना हो या किसी अकाउंट को सस्पेंड करना हो, इस तरह की लगातार मनमानी सामने आती रही है। जी बिल्कुल, मैं मनमानी वर्ल्ड को पूरी तरीके से इससे सहमत दर्ज कराता हूँ। लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन के नक्शे में दिखाना मनमानी थी। कोविड के B.1.261 वर्जन को इंडियन वर्जन बताना मनमानी थी। ब्लू टिक नियम को बिना वेरीफाइड अकाउंट को मैसेज किए बिना हटा देना मनमानी थी। सांप्रदायिक रंग को टूल किट का हिस्सा बता के आगे बढ़ाना मनमानी थी। लगातार ट्विटर ऐसी मनमानियाँ करता आ रहा है और वो तब कर रहा है कि जबकि वो दावा करता है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षकार है और न्याय को बढ़ावा देता है। क्या आप मुझे बताइए, हम सब लोग कल इस पे चर्चा कर रहे थे कि ट्विटर किस तरीके की मनमानी कर रहा है, लेकिन ट्विटर पे एक भी हैशटैग ट्विटर की उस मनमानी के खिलाफ नहीं था। जी, फेसबुक पे बात हो रही थी, कू पे बात हो रही थी कि फेक न्यूज पे है, लेकिन ट्विटर एक भी ऐसे हैशटैग को सपोर्ट नहीं कर रहा था जो ट्विटर के खिलाफ है। क्या ट्विटर न्याय करता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां पे खत्म हो जाती है। असल में लाभ लेने वाली कंपनियां जब किसी देश के भविष्य को तय करने लगती हैं तब इसी हालत में आती हैं जो ये ट्विटर कर रहा था। आपको ये पता होना चाहिए माइक्रो ब्लॉगिंग की जितनी भी साइट्स होती हैं ये कोई भी कंप्लेन ऑफिसर रखती ही नहीं है। भारत सरकार ने इनसे कहा कि अगर हमें शिकायत करनी होती है आपसे तो हमें जाके अमेरिका को मेल करना होता है, वो वहाँ से बताते हैं और वहाँ के कानूनों का हवाला देते हैं, हमें वापस भेज देते हैं। आप भारत के संविधान के अंदर काम नहीं करना चाहते, आप डेटा बॉक्स यहाँ नहीं रखना चाहते। अगर हम आपसे पूछें इस घटना का, इस खबर का ओरिजिन कहाँ से है, तो आप हमें बताते नहीं। उसके बाद आप कहते हैं आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षकार हैं। तो मुझे ऐसे पक्षकारों से ये पूछना है कि ये भारत सरकार तय करती है, अगर आप किसी लड़की को सड़क पर खड़े होकर गाली देंगे तो कानून सम्मत कार्य होगा, अगर आप उस पर हाथ उठाएंगे तो कानून सम्मत काम होगा, लेकिन वही ऑफलाइन कानून ऑनलाइन पे आके जीरो हो जाता है। आप फेक अकाउंट बताइए और किसी लड़की को गाली देना स्टार्ट कर दीजिए, कहीं कोई रोक नहीं। क्या ट्विटर खुद अपने बोट अकाउंट नहीं बताता? हर कोई जानता है कि 20% कोई भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं 20% अपने बॉट अकाउंट रखती हैं। जब आप वेरीफाइड होते हैं तो उन 20% अकाउंट को रिलीज करके एकदम से आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। वो फॉलोअर्स वही होते हैं जो मशीनरी मैकेनिज्म के सिस्टम के थ्रू बनते हैं। आप फेक खबर की बातें करते हैं, ट्विटर कहते हैं कि वो फेक खबर नहीं फैलाता। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप फेक अकाउंट पर ही रोक लगा लीजिए जो आपके प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं। अगर आपने प्रियंका चोपड़ा नाम से एक वेरीफाई अकाउंट को ब्लूटूथ दे दिया है तो बाकी के 25 प्रियंका चोपड़ा क्या कर रही हैं? सेम फोटो सेम डीपी के साथ। ट्विटर को पहले अपने मैकेनिज्म को चेक करना पड़ेगा, फिर किसी और से सवाल पूछना पड़ेगा। बिल्कुल रुद्र जी, लेकिन मैं दूसरा पक्ष भी समझने की कोशिश करूंगी कहीं ना कहीं कि क्या आपको लगता है जो ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं इससे कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी नहीं हो, क्योंकि दूसरा पहलू ये भी है कि हम जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है बोलने की उसको भी कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास करें, क्योंकि लगातार विपक्ष ये घेरने का प्रयास कर रहा है सरकार को कि इससे अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको दबाया जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, कई ऐसी चीज़ें चलती हैं। उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ऊपर एक आरोप लगता है, आप भी जानते हैं वो क्या आरोप लगता है, उसके बाद उनका एक कोई नाम भी उनके साथ जोड़ दिया जाता है जिसे लेना ठीक नहीं, लेकिन क्या उसे हम लोग तथ्यों के द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन ट्विटर इस तरह की खबरों को आगे बढ़ाता है, आप उस पर हैशटैग चलाइए, हैशटैग चलाने देता है, तो ये विपक्ष की आवाज़ है। ये ऐसा कहना मुझे लगता है ये जाती है। असल में ट्विटर सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाता है। अगर वो फार्मर जेनोसाइड जैसे भ्रामक हैशटैग को लगातार आगे बढ़ाता है, 26 जनवरी पे हुई जो लाल किले की घटना उसको भूल जाता है, तो मुझे लगता है वो पक्ष हो या विपक्ष के लिए नहीं काम करता, वो सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करता है। आज आपको सूट करता है तो आप कह देते हैं कि ये विपक्ष का है, कल को नहीं सूट करेंगे तो आप कह देंगे ये पक्ष का है।
बिल्कुल बिल्कुल रुद्र जी, आपने बहुत सही बात कही और इसी पर मैं विवेक जी को लेकर आना चाहूंगी। विवेक जी, क्या लगता है धार्मिक उन्माद फैलाने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उसको रोकना, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना तो बनता है ना, जरूरी हो जाता है, लेकिन उसके अगर हम विपरीत देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको धार्मिक रूप दे देते हैं पूरी तरीके से। देखिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ पूरे मंच को धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको एक चीज बता दूँ, कब एक्टिव हुई सरकार के इस विषय को लेकर के कि ट्विटर पे भी कंट्रोल होना चाहिए, सोशल मीडिया पे कंट्रोल होना चाहिए। ये सब हुआ जब OTT प्लेटफॉर्म पे तांडव वेब सीरीज रिलीज हुई, ठीक है, और उसके साथ ही किसान आंदोलन के समय जब टूलकिट वाला मामला प्रकाश में आया। मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी कंपनियां इस देश में जिस तरीके से भी फंक्शन करना चाहती है वो भारतीय संविधान के दायरे के अंदर करके काम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जड़ जो है ये पैदा किससे, इन सोशल मीडिया फोरम्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसने किया? लेकिन विवेक जी, सपा नेता तो आपके ही है उम्मीद पहलवान, जिन्होंने फेसबुक लाइव आकर ये बात कही कि उनके प्रताड़ित किया गया उन्हें और उन्होंने कहीं ना कहीं जय श्री राम के नारे लगवाए। ये कहां से उन्हें पता चला कि जो पीड़ित है उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए, और ये किस तरह का उनके पास प्रूफ था जो वो लाइव आके उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया? सुन लीजिए, अगर उन्होंने कोई बात की है और उसके ऊपर अगर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, वो जांच का विषय है, वो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, जांच का विषय है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो गलत कार्रवाई कर रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी का कोई आधिकारिक बयान आपको अभी तक मिला है? इससे कोई आधिकारिक बयान नहीं है समाजवादी पार्टी का। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जड़ जो है, जब देखिए आज सबसे बड़ी कृति एक बात समझने की आवश्यकता है कि सबसे बड़ी समस्या है कि आज वो देश के कोने कोने में पान वाले से लेकर रेडी वाले तक के हाथ में एंड्रॉइड फोन। ट्विटर तब तक बहुत बढ़िया था जब तक कि ट्विटर सरकार के अकॉर्डिंग काम कर रहा था, ठीक। लेकिन जब ट्विटर पे सरकार की ही निष्कामी की या सरकार की ही असक्रिय या संवेदनशील चीजें सामने आने लगती है, तब सरकार को समस्या होती है। मैं तो कह रहा हूं ना कि भारतीय संविधान के दायरे के अंदर काम करना हर ये जरूरी भी है और ये होना भी चाहिए। क्या लगता है अभी जो ट्विटर कर रहा था, जिस तरह से फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहा था, क्या वो सही था? क्या वो सरकार के पक्ष में, अगर आप सत्ता में होते और इस तरह से होता तो क्या आप हैशटैग ट्विटर इंडिया को चैट नहीं करते आप? मैं तो कह रहा हूँ कि ये आवाज तब क्यों नहीं उठती है जब विपक्ष के नेताओं के फॉलोअर्स कम हो जाते हैं। ब्लू टिक हटा दिया जा रहा था बीच में, उस समय तक ट्विटर बहुत अच्छा काम कर रहा था जब प्रमाणिकता के माध्यम से कार्य नहीं। विवेक जी, उस टाइम भी ट्विटर को तलब किया गया था, तलब किया गया था विवेक जी। ये सारी बातें किसान आंदोलन और तांडव वेब सीरीज को लेकर के जो बवाल हुआ उसके बाद से शुरू हुआ है। ये प्रकरण मेरी भी पूरी भली भांति ऐसा नहीं है विवेक जी, ऐसा नहीं है। अभी भी आधिकारिक रूप से इस फोरम पे कह रहा हूँ कि हर कंपनी को भारत के अंदर जो भी व्यापार कर रहे हैं उनको भारतीय संविधान के दायरे में काम करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब राजनीतिक दल इसका अपना लाभ या अपनी सरकारों को बनाने गिराने या भ्रमित करने के लिए इसका उपयोग करने लगते हैं तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, जो बोया है आज उसी को काटना पड़ रहा है। हमें क्या समस्या, हमने तो ट्विटर को कभी कंट्रोल नहीं किया और ना ट्विटर हमारे कहने पे कंट्रोल होगा, क्योंकि हम तो भाई राज्य के राजकीय दल है, हम कोई राष्ट्रीय दल तो है नहीं। अच्छा लग रहा है, फेक न्यूज फैल रही है, इसलिए आपने ट्विटर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी? क्यों नहीं हैशटैग ट्विटर इंडिया को तलब किया गया? क्यों नहीं ये कहा गया कि क्यों इसे जी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और लाइसेंसीकरण का जो प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होगी, ये इसमें राज्य दखल नहीं दे सकता है। और ट्विटर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है। जिस तरह से आप जो बयान दे रहे हैं विवेक जी, उस पर लगातार मैं आपको बता रही हूँ कि तलब किया गया था और लगातार MD से भी बात हो रही है ट्विटर के कि जो तमाम चीजें की जा रही है, ब्लूटूथ हटाने से लेकर हर चीज को लेकर उनसे। कीर्ति जी, आप मुझे तारीख बता दीजिए कि ट्विटर को पहला जो नोटिस दिया गया था कब दिया गया था, जिसमें ट्विटर ने 6 महीने का समय मांगा था? ठीक है विवेक जी, मैं आप ठीक है, मैं आपको हर बात का आपका जवाब दूंगी और आपका हर बात का आपको जवाब मिलेगा। उससे पहले मैं केसी जैन जी के पास एक बार जाना चाहूंगी। केसी जैन जी, आप लगातार रणदीप सुरजेवाला जी का बयान सुन रहे होंगे, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, ये बयानों में अपने साफ कर रहे हैं कि जिस तरह से आप आवाज दबाने की बात, जो काम किया जा रहा है ट्विटर का सहारा लेकर, आप लोगों की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर कई बार इस तरीके के आरोप लगे हैं कि भारत देश की छवि को धूमिल करने में और भारत देश के बारे में आलोचना करना और इसके बारे में अनाप शनाप कहना, ये कांग्रेस नेताओं की प्रवृत्ति रही है। बाहर जाकर के भी ये कहते हैं सपेरों का देश है,
ये बाहर जा करके कहते हैं कि हम कितने पिछड़े हुए हैं, लेकिन आज भारत देश की पहचान इस तरीके की है कि भारत देश को अग्रणी देशों में गिनती धीरे धीरे होने लगी। अभी इस कोरोना काल में ही हमने अगर 192 देशों को इस कोरोना वैक्सीन को सप्लाई किया, तो ये हमारे देश की टेक्नोलॉजी, हमारे देश की साइंस पे बाहर के देशों को ये भरोसा था कि भारत आज इतना डेवलप हो चुका है, इतनी साइंस इसकी डेवलप हो चुकी है कि इसकी वैक्सीन को हम लोग ले सकते हैं और अपने देश के नागरिकों को लगवा सकते हैं। ये चीजें, ये जो ख्याति है, ये एक सोच होनी चाहिए पार्टी की, और जो सरकार है सरकार की एक सोच होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके की ना तो सोच थी और ना तो इस तरीके के कार्य हुए। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश का नाम विदेशों में नाम रोशन हो रहा है, और जो ख्याति आज है, इस तरीके की ख्याति कभी भारत की बहुत पहले हुआ करती थी, और कहा जाता था भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी स्थिति में हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वापस। रही बात ट्विटर की, तो सुरजेवाला हो या कांग्रेस के और कोई नेता, विपक्ष के और नेता, ये एक विदेशी कंपनी सोशल मीडिया जो ट्विटर कंपनी है, तो इसके पक्ष में ये लोग क्यों दिखाई देते हैं? पहली बात तो ये कि हमारे पास बहुत सारे और भी संसाधन है सोशल मीडिया के, अभी नहीं कहते ट्विटर को हटा दीजिए, इसका भी इस्तेमाल करिए, लेकिन ट्विटर ने जो स्वयं गाइडलाइन तय की है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, अपंग लोगों के प्रति, तो इस महिलाओं के प्रति हम किसी भी तरीके की अभद्रता को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनकी अवहेलना को भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इस आधार पे किसी भी तरीके की भी तो गलती है कि पहले से क्यों नहीं लगाम कसी गई, क्यों इतनी झील दे दी गई कि आपके ऊपर एक कोई सोशल मीडिया साइट इतनी हावी हो गई है कि वो अपनी मनमानी करता चला जा रहा है भारत में। नहीं देखिए, ये ट्विटर कोई आज का नहीं है, और बिल्कुल यही पहले तो बात है कि आज ये गाइडलाइंस क्यों जारी करी गई, क्यों ये पहले कदम नहीं उठाया गया? देखिए जी, बिल्कुल कैसी जान जी, मैं सुन रही हूं। होता क्या है कि किसी भी चीज की गाइडलाइन धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तित होती है, और इसकी जो गाइडलाइन थी ऑलरेडी पहले से, उनका भी ट्विटर फॉलो नहीं कर रहा था, स्वयं उसको फॉलो नहीं कर रहा था अपनी गाइडलाइन को। आप देखिए, जैसे फेक अकाउंट की बात हुई अभी, तो फेक अकाउंट के बारे में ट्विटर ने कई बार कहा कि फेक अकाउंट बन जाते हैं, हम उसको रोक रहे हैं, उनको हम डिलीट कर रहे हैं, उनको हम ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन वो फिर से चालू हो रहे हैं फेक अकाउंट, क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये तो पूरे विश्व में जो ट्विटर का है, ट्विटर का इस्तेमाल पूरे विश्व में होता है, लेकिन जो गाइडलाइन भारत सरकार ने तय की और एक समझौते के तहत ट्विटर के साथ जो तय हुआ, उसको भी ट्विटर फॉलो नहीं कर रहा है। ये 21 फरवरी को जो चीजें लागू हुई और अप्रैल, मई, जून, उसके बाद 3 महीने का समय दिया गया कि 3 महीने के अंदर ये इन चीजों को लागू करेंगे, लेकिन जो भी गाइडलाइन थी उसको ये 3 महीने भी में भी उनको फॉलो नहीं किया। आज भी बहुत सारे फेक अकाउंट है और हिंसक सामग्री, पहले 6 महीने असली सामग्री आज भी ट्विटर के माध्यम से, फेक अकाउंट के माध्यम से परोसी जा रही है, और कहां परोसी जा रही है? भारत में भी परोसी जा रही है। तो इसको बिल्कुल बंद करना होगा, और जो हिंसा और भड़काऊ चीजें जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो लोग आजादी के नाम पर, अगर यही एक आम आदमी अपनी आवाज उठाएगा तो ट्विटर उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करेगा, तो व्यक्ति की अभिव्यक्ति कहां गई फिर? हम उसे भी तो सोच के चलना जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल, देखिए ट्विटर का काम यह है कि आप अगर कोई व्यक्ति जुनून किसी प्रश्न को उठाता है उसमें आपत्ति नहीं, लेकिन ट्विटर को उसका स्रोत बताना पड़ेगा। मैं कह दूं कि हमने सुना है कि फलाने आदमी के साथ ये हुआ है, इस तरीके से नहीं चलेगा, उसको बताना पड़ेगा। मैं अगर ये कहूं, कोई आरोप लगा दूं विपक्ष के किसी के ऊपर या भाजपा के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगा दे कि इनको इस तरीके से देखा गया, इन्होंने इस तरीके से घूस ली और उसको सिर्फ बदनाम कर दिया, तो भाजपा के साथ हुई है इसलिए तकलीफ है। नहीं, वही कह रहा हूं, कांग्रेस के साथ हो, भाजपा के साथ हो, पार्टी यही तो मैं पूछना चाह रही हूं। देखिए, कोई किसी महिला को एक तरीके से एडिट करके उसकी फोटो को, असली फोटो बना के डाल दे कोई, और ट्विटर उसका ये कह दे कि भाई हमसे कोई मतलब नहीं, इन्होंने डाला, तो आपको स्रोत बताना पड़ेगा। ट्विटर का काम है ये स्रोत बताना कि इसको कहां से लिया गया, इसके जिम्मेदार कौन है, जिससे कि उसको सजा दिलाई जा सके और उस महिला को अपमानित होने से बचाया जा सके। इसलिए ये नियम कानून बनाए गए हैं,
ये नियम कानून देश के हर एक नागरिक के लिए हितकर है, देश को दंगों में जो झोंका जा रहा है उसको रोकने के लिए आवश्यक है। और ये कहा भी जाता है दंगों में आम जनता मरती है, बिल्कुल नेता मरते हैं ना अधिकारी मरते तो है, लेकिन और उसको बचाने के लिए जब खुद पर आती है तब समझ में आता है। शायद तगरूद जी आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ट्विटर लगातार अपनी मनमानी कर रहा है, क्या उसको भारत से मतलब नहीं है किसी भी तरह का? असल में तो ट्विटर को किसी देश से भी कोई मतलब नहीं था, जैसे अमेरिका में भी उसने मनमानी की, क्या अमेरिका सरकार ने उसके साथ नहीं की? और वही ट्विटर जो यहाँ पे आके अपनी गाइडलाइन चेंज कर देता है, वो ईयू में कैसे रहता है, यूरोपियन यूनियन में कितने सही से वो रहते हैं? जब उनको बुलाया जाता है तो चैम्बर में जाते हैं, गवाही देते हैं, माफ़ी मांगते हैं और वापस लौट आते हैं। लेकिन भारत के साथ दिक्कत ये क्या रही है कि भारत में यूएन में लेके इंटरनेट पे एक मीटिंग हो रही थी, और मुझे बहुत अच्छी से याद है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और उस मीटिंग में भारत ने ब्राज़ील को अपना नेता चुन लिया था। तो भारत में इंटरनेट की समझ 2012 के बाद ही थोड़ी थोड़ी डेवलप होना स्टार्ट हुई है। ग्रेवांस ऑफिसर वो नियुक्त नहीं करते थे, भारत ने कभी मांग भी नहीं की। डेटा सोर्स उनका यहाँ रहता नहीं था, भारत ने कभी मांग नहीं की। गूगल यूपीआई का जितना जाता था पैसा वो लेआउट में जाता था, भारत ने कभी उसके लिए मांग नहीं की। वो अपने आप के सारे सोर्सेस को इस्तेमाल करते थे, ये भी नहीं बताते थे ट्राई बाहर से विदेशी कंपनियां आती हैं यहाँ पे मोबाइल का कारोबार करती हैं, लेकिन उनका एक फोन टेपिंग का एक भारत सरकार के साथ उनके साथ अनुबंध है कि भारत सरकार जब मांगेगी कि ये फोन कहाँ से हुआ तो उनको बताना पड़ेगा। लेकिन ये ट्विटर और फेसबुक के साथ लागू नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं कि अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग नियम नहीं चल सकते। भारत में जो लॉ है इंटरनेट का लॉ, वो बहुत पुराना था, उसमें बहुत सुधार की जरूरत थी। हमें यह मानना पड़ेगा कि रविशंकर प्रसाद जी ने बहुत अच्छा काम किया है, खास के पिछले 8 महीने के दौरान। ना सिर्फ ट्विटर को बल्कि फेसबुक को भी जगह जगह पर रीचेक किया गया है इंटरनेट पे। जब आपको याद होगा कि चाइना बॉर्डर पे लगातार तनातनी थी, तो कितने बड़े चाइनीज ऐप थे जिनको सबको ब्लॉक किया गया, जिनका एक बड़ा शेयरिंग थी, भारत सरकार उनसे पैसे भी लेती थी, उसका वो उनको एक बड़ा अमाउंट आता था, लेकिन फिर भी बैन किया गया। तो इंटरनेट की अब इतनी समझ बढ़ चुकी है, तो हमें यह जानना पड़ेगा कि अगर हम कोविड काल में हैं और ट्विटर पे एक खबर ऐसी चल गई कि कोरोना की मिल गई दवाई या कोरोना से मर गए 50 लाख लोग, तो एक तरफ हमको बहुत खुशी भी मिल सकती है और एक तरफ बहुत निराश हो सकते हैं। तो खबरों के इस बाजार में अगर हमने खबर के प्रदाता को अनुशासन में रहना नहीं सिखाया तो कल हमको और आपको ही दिक्कत होगी। बिल्कुल रोदी जी, क्योंकि आजकल छोटे से छोटे बच्चे कहीं ना कहीं इंटरनेट यूज कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। हमारी लाइफस्टाइल सोशल मीडिया से एक बहुत ज्यादा जुड़ गई, हम इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया से, तो इस तरह की खबरों पर रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है जिस तरह से फेक न्यूज आ रही है। मेरा मानना पूरी तरह से है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो जरूरी है, विवेक जी आप सुन रहे हैं, लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन में फेक पाया गया है, जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे थे, वंदे मातरम के नारे लगवाए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये फेक पाया गया इन्वेस्टिगेशन में। ट्विटर से बोला भी गया कि इसे हटा दिया जाए, लेकिन नहीं किया गया। इससे पहले भी हमने ऐसी बहुत सी खबरें सुनी है और समझी भी है जिससे कितना माहौल बिगड़ा है, तो क्या ट्विटर के ऊपर इस तरह का जो एक्शन लिया जा रहा है क्या वो गलत है? विवेक जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी बताइए। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि क्या लगता है जो ट्विटर के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है ये क्यों गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें ये तमाम चीजें जो है वो फेक पाई जा रही हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी से की थी इस बात को, देखिए समझना होगा, इसकी पहली तस्दीक जनता हुई थी जब 2009 में सोशल मीडिया ने अमेरिका में बराक ओबामा को राष्ट्रपति बना दिया। एक ऐसी छवि गढ़ी गई थी जिसने अमेरिका इतिहास में पहली बार एक अश्वेत को राष्ट्रपति बनाया, और राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी सोशल मीडिया और खास करके ट्विटर पे जितने फॉलोअर्स उनके आज भी हैं, उससे ट्विटर के पास भी है 129 मिलियन से ज्यादा। उसी परिप्रेक्ष्य में इसको भारतीय अगर परिप्रेक्ष्य में ट्रांसलेट करिए तो ये समझा सिर्फ एक आदमी के पास है, वो है माननीय प्रधान श्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने और उनकी सोशल मीडिया ने जो उनकी छवि गढ़ी, उनकी लोकप्रियता जो शिखर पे है, उनके आसपास कोई स्टैंड नहीं करता, चाहे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हो, क्रिकेटर विराट कोहली, कोई नहीं। ट्विटर इतनी मजबूत, मतलब सोशल मीडिया इतनी मजबूत चीज है, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से वो चीज है। लेकिन चीजें बदली कहां से, 28 अप्रैल 2021 की अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर आपको याद होगी, जहां पे पीएम मोदी की बनी बनाई छवि को ध्वस्त करने की खबर को मैं आपके किसी भी सवाल से भाग नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ गाजियाबाद वाली बात से
पुलिस अपनी जांच कर रही है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है, उसके ऊपर दबावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। लाइव तो आपके ही सपा नेता ने किया था ना फेसबुक पर, नहीं तो हमने कोई दखल दिया? जांच तो पूरी होने दीजिए, जांच में जो तथ्य सामने आएंगे। जांच तो हो ही रही विवेक जी, लेकिन यहाँ पर बात ये उठती है कि इस तरह की फेक न्यूज़ जब फैलाई जाती है ट्विटर पर, तो क्यों इसको और प्रोत्साहित किया जाता है, क्यों ये कहा जाता है कि सरकार आवाज दबाने का काम कर रही है? अगर आप फेक न्यूज की बात करती है तो जिस तरीके से सेंगर प्रकरण में, हाथरस प्रकरण में आपको सुबोध सिंह का हत्याकांड याद ही होगा, उस प्रकरण में ऐसी कई फेक न्यूज हैं जो भाजपा के पाले में विराजमान हैं। यही तो बात है विवेक जी की, लगातार फेक न्यूज ऐसे ही फैलती हैं, भ्रांतियां फैलाती हैं लोगों के बीच और इस तरह से माहौल बिगड़ता है भारत का। चार साल चुनाव के समय इनको ट्विटर और ये याद आया, कोविड के समय विशेषकर इनको याद आया, किसान आंदोलन के समय उससे भी ज्यादा विशेष याद आया जब सरकार की छवि ध्वस्त होने लगी। किस समय क्या याद आया ये जरूरी नहीं है अभी तक, जब नहीं मैं तो कह रहा हूँ ना कि तो आप इसको करिए ना कानून, हमने कहीं भी। लेकिन आपके नेता जब ये बोलते हैं कि नहीं वहाँ पर तो ये किया गया, उनको जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे थे जबरदस्ती, तो जो लोग देख रहे होंगे, जो उनके इन्फ्लुएंसर होंगे, जो उनके साथ अटैच होंगे फेसबुक लाइव पर, तो वो तो कहीं ना कहीं उनके अंदर तो ये भ्रांतियां फैलेंगी ना। कीर्ति मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, समाजवादी पार्टी का स्टैंड कहीं भी नहीं है कि ट्विटर को डिफेंड किया जाए, और दूसरी बात समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, जिस तरह आप कह रही है फेक न्यूज, एक फेक न्यूज अयोध्या की भी चल रही है जिसपे कोई बात नहीं करना चाहता, वहां तो रिश्तेदारी भी बाहर आ गई है। तो कहने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया को छूट इन्होंने ही दी है और सोशल मीडिया को बढ़ावा भी इन्होंने दिया है, आज वही सोशल मीडिया जब इनके कंट्रोल से बाहर जा रही है तो दिक्कत भी इन्हीं को हो रही है, क्योंकि इन्हीं की सरकार की पोल खुल रही है हर जगह पे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया से चले, सोशल आपका क्या कहना है इस पूरे बात पर? विवेक जी लगातार यही कह रहे हैं कि आपने छूट दी है, इसके चलते ही ट्विटर की इतनी हिम्मत हुई है या इतना ज्यादा ट्विटर आगे बढ़ गया है कि उसको वो कुछ समझ ही नहीं रहा है, सरकार को गाइडलाइंस को भी नकार रहा है वो। तो ना मानने पर उनके अधिकारियों के खिलाफ, ट्विटर के खिलाफ मुकदमे भी होंगे, और दूसरी बात यह है कि ये कह देना कि अब इनको आपत्ति है, देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि अभी जो हमारे जानकार महोदय ने अभी साथ में बताया कि 2012 के पहले, पहली बात तो इस्तेमाल कम था, बहुत कम इस्तेमाल था भारत में इंटरनेट का इस तरीके से, और जो इस्तेमाल था सोशल मीडिया का तो और ज्यादा कम था, धीरे धीरे जब इन चीजों का इस्तेमाल बढ़ा तो उसमें आपत्तियां आई। देखिए ट्विटर में एक नियमावली है कि 36 घंटे के अंदर आपको आपत्तिजनक पोस्टों को हटाना होगा, और 24 घंटे के अंदर जिनकी शिकायत मिलती है 36 घंटे के अंदर स्वतः हटाना होगा, और जिनकी शिकायत हो रही है जिन चीजों की उनको 24 घंटे के अंदर हटाना होगा, और इन चीजों को ट्विटर फॉलो नहीं कर रहा है, इस नियम को ट्विटर मान नहीं रहा है, तो इसमें आपत्ति क्या? इसमें हम कौन सी किसी की आवाज दबाई जा रही है, इसमें कौन सा जो है हनन हो रहा है स्वतंत्रता का, निजता का, अब यह भाव व्यक्ति का? कोई हनन नहीं हो रहा है, जिसपे आपत्ति लोग दर्ज करा रहे हैं उसको हटाना ट्विटर की जिम्मेदारी है, और उस मैसेज को, उस पोस्ट को लगातार ब्लॉक करना ट्विटर की जिम्मेदारी है। एक पाकिस्तान की पोस्ट आ जाए कि वहां पे एक मस्जिद गिर गई और बताया जाए कि भारत में मस्जिद गिर गई यहाँ पे, उसके बाद भी क्या होगा, किस तरह दंगा फैलेगा? या मंदिर दिखा दिया जाए पुराना जो स्वयं हो सकता है कि मंदिर निर्माण के लोग स्वयं उसको गिरा रहे हैं, लॉबी डिवाइड कर दी है ना, सोशल मीडिया भी तो दो लॉबी डिवाइडेड है ना, एक तरह तो सरकार के पक्ष में भी तो दिखाते हैं, सरकार के खिलाफ भी दिखाते हैं, तो बात सरकार की नहीं है। देखिए बात सरकार की नहीं है, बात यह है कि आम जनता के सेंटीमेंट्स की बात है। जैसे कोरोना वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन पे अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की फर्जी न्यूज डाल दे कि कोरोना वैक्सीन लगाने से यहाँ पे इतने आदमी खत्म हो गए, उसके बाद में जो ये भ्रम फैलेगा इसको संभालना कितना मुश्किल होगा, और जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं वो लगवाने से किस तरीके से भागेंगे, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कह दिया कहीं ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, बिल्कुल फेक न्यूज़ कैसी जैसी मैं मान रही हूँ, उसको फैलाना भ्रम होगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी आड़ में आप अगर सत्ता के पक्ष, सत्ता पे बैठे विराजमान लोगों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कुछ बोलेगा तो आप उस पर भी FIR करने का फिर इस पर कानून कर देंगे? नहीं, सत्ता इसमें सत्ता बगैर बोलने की अभिव्यक्ति ही छीन लेंगे लोगों से, ऐसा तो नहीं है। आपत्तिजनक है अगर एक सभ्य परिवार की लड़की और उसको एडिट करके फोटो को डाल दिया जाए तो क्या उसको हटना नहीं चाहिए? अगर मंदिर को गिराते हुए जबरन या अफवाह फैला दी जाए जी, मंदिर को संप्रदाय विशेष के लोगों ने गिरा दिया तो क्या इसको हटाना नहीं चाहिए? सरकार के खिलाफ
कुछ लिखना तो इस कानून के दायरे में नहीं आएगा ना, कि अगर आम जनता कुछ लिखना चाहती है, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहती है तो मैं आपको बताऊं देखिए जिस समय दिल्ली में जंतर मंतर पे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जिस समय दिल्ली में परमिशन मांगी किसानों ने आंदोलन के लिए, तो जब केंद्र की सरकार वहां पे परमिशन तक देती है और धरना प्रदर्शन के लिए जहां जहां भी आवश्यकता पड़ी प्रदेश सरकार ने भी परमिशन दी, प्रदेश सरकार ने बॉर्डरों पे जो ये किसान आंदोलन के लिए बैठे रहे क्या इसके लिए परमिशन नहीं दी, क्या उनको जबरन हटा दिया, नहीं हटाया। तो देखिए सरकार के खिलाफ अगर आपको कोई चीज आप सहमत नहीं है आपको उसको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन नियमों के तहत आपको विरोध करने का अधिकार है। आपको यह अधिकार नहीं है कि प्रधानमंत्री का पुतला फूंके, आपको यह अधिकार नहीं है कि मुख्यमंत्री का पुतला फूंके। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार पद है और सरकार किसी की भी रहे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक पद है, उस पद की गरिमा को रखते हुए तो आप भी यही करते थे केसी जैन जी, आपके भी नेता भी यही करते थे। नहीं वो अगर करेंगे तो उनके खिलाफ भी मुकदमे कायम हुए, जवाब आप भी दीजिएगा। केसी जैन जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया, इसको रिकॉर्ड में रखिएगा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक पद है। अब आप बात को समझिएगा, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, दो मिनट केसी जैन जी निवेदन आप भी सुनिएगा। मुख्यमंत्री एक पद है, इससे उस पर आप कुठाराघात नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह कोविड के समय में रायबरेली में एक बच्चे ने सोशल मीडिया पे ऑक्सीजन के लिए पोस्ट डाल दिया और उसके ऊपर बताइए ना आप ट्विटर के साथ ट्विटर के विरोध में, और इसी तरह नरेंद्र मोदी ट्विटर के साथ ट्विटर के विरोध में, अब उसी छवि को ध्वस्त किया जा रहा है जिसकी वजह से कि ट्विटर इनका सबसे बड़ा टारगेट है। अन्ना आंदोलन के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ आई जागरूकता, दिल्ली के निर्भया कांड के बाद कांग्रेस के खिलाफ उपजा गुस्सा, सोशल मीडिया क्या एक कंपनी है ना, देश के सामने आप इसके साथ क्यों खड़े दिखाई देते हैं, बना करके अगर आपको किसी ने पोस्ट हटाने की बात की जा रही है तो आपको क्या आपत्ति है। मैंने आपसे जवाब लिया ना, एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा प्लीज। पार्टी के राजनीतिक विकल्प तो सबके सामने था, राजनीतिक विकल्प रूप में सबके सामने था, ये मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ समय राजनीति स्तर पे, लेकिन इस पार्टी का चेहरा कौन होगा, उसे स्थापित किया था सोशल मीडिया ने। जून 2013 में गोवा की कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मोहर लगी, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पे मोदी जी के नाम की मोहर गोवा कार्यकारिणी के निर्देश से पहले लगी। लेकिन एक बात इस जगह समझने की जरूरत यही है ना कि फेक न्यूज को बढ़ावा क्यों दिया जाता है, देश की शांति बनाए रखने की जरूरत हम सबको है। मैं तो कह रहा हूँ ना, इस परंपरा को किसने प्रचलन में लाया, देखिए आप लोग नहीं, आप लोग उस पीड़ित के पक्ष में आके इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं। मेरी बात सुनिए विवेक जी, एक मिनट सुन लीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन की बात करते तो मैं मानती, लेकिन जहां पर ये रंग दे दिया कि जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे थे और उसको कहीं ना कहीं जातियों में जो आप लोग बांट देते हैं ना, ये गलत है, आप इन्वेस्टिगेशन के लिए आवाज उठाइए ना। कल आप ही के चैनल पे जब जांच की मांग की गई तो सीधे देशद्रोही हो जाएगा। आप जिस मुद्दे पे कहेंगे उस मुद्दे में अगर हम हां में हां मिलाएंगे तो देशद्रोही नहीं माने जाएंगे, ये भी तो सोशल मीडिया नहीं, लेकिन ये भी तो गलत है। फिर गाजियाबाद वाली बात पर जो तमाम दावे किए जा रहे थे कि जिस वीडियो में ऑडियो ही नहीं है उसमें ये दावे किए जा रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगवाए गए, सुन लीजिए, 2 रुपए ट्वीट कौन चला रहा था, 2 रुपए ट्वीट हमारी पार्टी में तो चल नहीं रहा था, सोशल मीडिया पे 2 रुपए ट्वीट किसकी पार्टी कौन सी पार्टी दे रही थी और किसको दे रही थी, ये सोशल मीडिया इन्होंने तो परंपरा शुरू की है, हमने तो शुरू ही नहीं किया, इनकी परंपरा शुरू की हुई लोग फॉलो कर रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि इनकी हर छवि को कोने कोने में कोई भी उजागर कर दे रहा है तो इनको समस्या हो रही है, अब उसको रोके कैसे, मतलब सोशल मीडिया पे ठीक है विवेक जी और केसी जी प्लीज ठीक है मैं आऊंगी आप पर। रुद्र जी आपको क्या लगता है, जो लगातार आपने भी सुना इतनी देर में आपको लग गया होगा कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक राजनीतिक इन लोग ने वहां पर भी बना दिया है कि सिर्फ राजनीति कर दिया है, पूरा मंच बना के रखा हुआ है कि अगर वो उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, सत्ता में है तो वो एक्शन ले लेंगे, लेकिन इसके बीच में इन सबके बीच में कहीं ना कहीं आम आदमी फंस जाता है और उनको ये दिक्कत हो जाती है कि अगर अब हम आवाज उठाएंगे तो कहीं हमारे ऊपर कार्रवाई एनएसए की कार्रवाई या एफआईआर ना हो जाए। कीर्ति जी आज आप क्या कर रही हैं, शायद आपने किसी को ना बताया हो लेकिन आपका फोन जानता है कि आपने कहां से टिकट बुक कराया है, कौन से हॉल में आप मूवी देखेंगे, जोमेटो से आपने क्या ऑर्डर किया है, तो अगर किसी के पास आपका फोन है तो आपके बारे में पूरी दिनचर्या जानता है, अगर आपको मेल आते होंगे तो साथ में वो सजेस्टेड टेम्पलेट्स भी देता है कि आप इस मेल का जवाब ये दे सकते हैं, आई एम ओके गुड थैंक यू, इसका मतलब मेल आपके पूरे मेल को पढ़ रहा है,
जी मेल आपके पूरे मेल को पढ़ता है, उसमें फिर सिस्टेट वो आपको टेम्पलेट्स देता है। अगर आपके पास व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आते हैं तो ऊपर से अगर आप खोलेंगे तो अगर किसी ने पूछा इज इट ऑल राइट, तो वो सजेस्ट करता है कि आप ओके भेज दीजिए, सिर्फ आपको ओके प्ले, इसका मतलब व्हाट्सएप आपके मैसेजेस पढ़ रहा है। सोशल मीडिया पे आपको अगर ये लगता है कि आपकी कोई निष्ठा है तो ये आपकी गलत फहमी है। सोशल मीडिया आपके डेट्स को और फोटो को बेचता है, उसके लिए अंक मायने रखते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ मायने रखती है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ या एनिवर्सरी करीब आती है, आपके पास अजीब से फूलों वाले मैसेजेस आने लगते हैं कि आप ये खरीदारी कर सकते हैं, वो करने लगते हैं, वो ऐसे ऐड आने लगते हैं, आपके डेटा बेचा जाता है। सोशल मीडिया में कुछ भी निष्ठा नहीं है, अनुशासन नहीं बनाया जाएगा। मैं पक्ष विपक्ष में पड़ता ही नहीं, ये भारत देश बनाम ट्विटर है, ये भारत देश बनाम सोशल मीडिया कंपनी है, उनको अनुशासन में रहना पड़ेगा, वो हमसे कमाई करते हैं, ये सिंपल सा फार्मूला है जी। बिल्कुल, लेकिन उन्हें अनुशासन में रहना पड़ेगा रुद्र जी, लेकिन मैं यही पूछना चाह रही हूँ, अगर कल को मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करूं और मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, तो क्या उसको लेकर ये फेक बना दिया जाएगा कि वो सत्ता में बैठे विराजमान लोगों के खिलाफ है, या अगर उनके पक्ष में होगा तो विपक्ष ये कह देगी कि नहीं ये तो गलत बोला जा रहा है और फिर इस पर एक बार फिर से वार शुरू हो जाएगी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है अभी भारत में वो सिचुएशन नहीं आई है कि यहाँ पे बोलने पे या लिखने पे लगाम हो। हम लोग जितनी भी बहसें कर रहे हैं, अगर आप इसे फेसबुक लाइव कर रहे होंगे, ट्विटर लाइव कर रहे होंगे, तो ये बकायदा जारी होगी, अभी वो वाली लगाम की स्थिति नहीं आई है। हाँ, सरकार को अपनी एक निजता की सरकार ने जो सीमाएं तय की है उससे भी आगे नहीं जाना पड़ेगा। जैसे प्रेस के ऊपर वो रहती है, जैसे वो टेलीकॉम कंपनीज के साथ पेश आती है, वैसे उसे सोशल मीडिया को भी डील करना सीखना आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कहीं कल को अगर ये कदम भी बढ़ जाता है आगे, लगता नहीं आपको क्या कि कल को ये भी कदम आगे बढ़ सकता है? इस तरह की भी चीजें हो सकती है, जिस तरह से अभी लगाम लगाई जा रही है, लगाम कसी जा रही है। कीर्ति जी, ओम शांति ओम करके एक मूवी आई थी जिसमें दीपिका पादुकोण एक बार राजेश खन्ना के साथ डांस करने लगती हैं, एक बार विनोद खन्ना के साथ, और उसे ट्रिंग कहते हैं, वो वीडियो को, दो वीडियो को आपस में जोड़ा जाता है। शायद गांव वाले लोगों के लिए बिल्कुल नया प्रयोग होगा, लेकिन जो इंटरनेट की समझ रखते हैं उनके लिए ये एक चीज है सीखने की, प्रयोग करने की। मुझे लग रहा है वो इंटरनेट की समझ अब शहर से लेकर गाँव तक पहुँच रही है, और वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसे हमें लोगों की समझ पर छोड़ना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे और ज़्यादा बेहतर सोच पाएंगे, सरकार को उतनी लगाम लगानी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिन पहले के भारत सरकार जो होती थी वो बैन लगाना जाती थी, या तो पॉर्न साइट्स चलेंगी या बैन होंगी, बीच का ऑप्शन नहीं होता था। ट्विटर पे एक बहुत बीच का ऑप्शन है, वो आपको ब्लॉक नहीं करेगा, आपकी रीच को कम कर देगा। तो भारत सरकार को उधर भी सोचना चाहिए, बहुत से ऐसे चीजें हैं जिस पे एक लंबी चर्चा संभव है। जो मनमानी लगातार रुद्र जी हम ये देख रहे हैं कि ट्विटर की जो चल रही है, ब्लू टिक हटा देना या फिर किसी के अकाउंट को सस्पेंड कर देना अपनी मनमानी से, क्या लगता है आपको इसके पीछे की वजह है क्या? क्योंकि वजह नहीं स्पष्ट हो पा रही है किस तरह की मनमानी क्यों, जब बाकी सोशल मीडिया जो तमाम गाइडलाइंस आई उनको फॉलो करने के लिए रेडी हो गए, उन्होंने फॉलो किया, तो ट्विटर को क्या दिक्कत है? वजह तभी होती है कीर्ति जी, जब मैं आपसे लगातार सवाल कर रहा हूं और आप शांत रहें, जिस क्षण आप बोलना शुरू कर देंगे उस क्षण मुझे दिक्कत हो जाएगी। जब से भारत में इंटरनेट की समझ बढ़ी, भारत सरकार ने अपना दावा मांगना शुरू किया, कंप्लेंट ऑफिसर नियुक्त करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया, ऑफिस इंडिया में खोलने के लिए स्टार्ट करना शुरू किया, और ऐसे ऐसे ऑफिसर जो लगातार एक पक्ष ले रहे थे उनको हटाने के लिए कहा, बहुत सी ऐसी चीजें जब ट्विटर से करने को कही गई तब ट्विटर के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हुआ, और शायद वो भारत सरकार की बोलने की आदत थी जिसकी वजह से उनको मनमानी उन्होंने अपनी स्टार्ट की। आप ये मुझे बताएं, अगर ब्लू टिक आप मेरा हटा रहे हैं तो क्या मुझे पहले से एक नोटिस नहीं भेज सकते? ट्विटर का कहना है कि वो अकाउंट बहुत दिन से नहीं चल रहे थे, तो ट्विटर को उनसे करके पूछना चाहिए था। मैं ये मानता हूं कि कोविड में कई लोग खत्म हो गए और उनकी वो भरपाई इससे करना चाह रहे थे कि वो ब्लू टिक के हटा के नए लोगों को दे दें, लेकिन उन अकाउंट के पास उनको एक नोटिस भेजना चाहिए था कि क्या आपका अकाउंट एक्टिव होने के लायक है कि नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपने पक्ष को ठीक ढंग से नहीं रख रहे हैं, और इसे मनमानी ही रवैया कहा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी चीजों पर अनुशासन बनाए रखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। विवेक जी, क्या लगता है अगर आप सत्ता में होते तो आप क्या करते? क्योंकि ट्विटर जिस तरह से मनमानी कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपने रुद्र जी की भी बात पूरी तरह सुनी होगी, तो लगातार मनमानी, क्योंकि बाकी जब सोशल मीडिया वो जो गाइडलाइंस आई है नई, जो रविशंकर प्रसाद जी ने भी बताया है, उसको लेकर अगर वो रेडी है तो ट्विटर को क्या तकलीफ है? और इस पर आप सत्ता में होते तो क्या करते? विवेक जी, आपको आवाज आ रही? कीर्ति जी, मैं आपको बड़ी एक बात बता दूं, 2020 के अंत में इस तरह किसान आंदोलन के दौरान ये छवि टूटी शुरू हुई है सरकार की, और सत्ताधीशों का सोशल मीडिया से पंगा शुरू हुआ है। इसी क्रम में 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन के समर्थन में जिस तरह से पॉप स्टार विवेक जी, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि अगर आप सत्ता में होते तो आप क्या करते? उसके बाद भारत में टूलकिट प्रकरण आया, और तब ये बात सामने आई कि भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है, जिसमें भारत में दिशा रवि की भी गिरफ्तारी हुई थी। टूलकिट प्रकरण
बैन आया तो ट्विटर तो वहीं पर ये जो फेक न्यूज फैल रही थी इसको बैन कर देना चाहिए था ना। यही तो सवाल उठ रहा है कि क्यों ट्विटर अपने जी आप जवाब तो ले लीजिए, हम तो दे रहे हैं। और इसी प्रकरण में जब ये खत्म नहीं हुआ था उसी प्रकरण में 25 फरवरी को सरकार की ओर से नई आईटी एक्ट को लागू किया गया। ठीक, ये खत्म ही नहीं हुआ था कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई। मैं पहली लहर पे कभी सवाल नहीं उठाता, मैं हमेशा कहता हूं सरकार किसी की हो पहली लहर में जो भी हुआ वो लाजमी था क्योंकि कोई सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। मैं भाजपा पे भी इसका आरोप नहीं बढ़ रहा, लेकिन दूसरी लहर जिस तरीके से इन्होंने आधिकारिक आंकड़ों को छुपाया, जिस तरीके से इन्होंने प्रभावित करने का प्रयास किया, जनता को इसके साथ असंवेदनशील रवैया अपनाया, लोगों का आक्रोश सोशल मीडिया पे फूटा और उससे सरकार की छवि खराब हुई, ये भी मुझे इनको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या किया ये भी बता दीजिए, ये भाजपा की वैक्सीन है ये भी बता दीजिए। आपके सामने है रायबरेली में बच्चे पैसे बाहर क्यों करवा दीजिए, जिस कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं उस कांग्रेस के नेता अपने घर में सिलेंडर रखे हुए पकड़े गए, ये बता दीजिए। प्रेसिडेंट जी मैं जवाब आपसे ले लूंगी, आप जवाब दे दीजिएगा प्लीज। सेवा भाव करते हुए नहीं, देखिए मुझे पता है आपको बहुत इच्छुक लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत इच्छुक हो रहे सेवा करते हुए अपनी जान गंवा के, ये भी बता दीजिए आप। दिनों में अगर ये कहा गया है कि शिकायत को निपटाना चाहिए, कोई भी सोशल मीडिया साइट है अगर उस पर किसी भी तरह की कोई शिकायत है तो 15 दिनों में उसका निपटारा कर लेना चाहिए, तो आपको क्या लगता है जो ये लगातार फेक न्यूज इस कदर फैलती है उसको कहीं ना कहीं निपटाना चाहिए ना। और मैंने आपसे सीधा साधा एक सवाल पूछा कि अगर आप सत्ता में होते तो आप क्या करते, आप ट्विटर को क्या अपनी मनमानी करने देते? देखिए कीर्ति, ना तो हम इस परंपरा के कभी सपोर्ट में थे, ना है और ना रहेंगे। सोशल मीडिया का दुष्प्रचार, सोशल मीडिया को सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से चुनाव का टूलकिट बनाने का काम भाजपा ने शुरू किया है, और ये मैं नहीं, आप सार्वजनिक पटल पे जिम्मेदार बुद्धिजीवी सभी ये बात बखूबी जानते हैं। मंच पे बैठ के कोई कुछ भी कह दे लेकिन उससे सच्चता छुपने वाली नहीं है। और मैं आपको फिर बता दूं, सरकार की छवि, इन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नाम लिया था, आपको तभी समझ जाना चाहिए था कि छवि दो लोगों की खराब हो रही है। और ये प्रचलन भी इन्होंने इनका ही शुरू किया हुआ है। आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, केवल आज ट्विटर पे एक ट्रेंड कर रहा है विपक्ष के एक बड़े नेता के खिलाफ, जिस तरीके से ट्रेंड कराया जा रहा है गलत तरीके से, उसके ऊपर ये क्यों नहीं बात करते? तो वही तो कहा जा रहा है विवेक जी, वही तो कहा जा रहा है विवेक जी कि इन तमाम चीजों पर अगर विपक्ष पर कहो उस पर हैशटैग रन करे तो गलत। सुन लीजिए, राजनीतिक मर्यादा का हनन होता है जब भी आप ऐसे प्रचलन को, प्रोपोगेंडा को बढ़ावा देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये चीजें बैकफायर भी कर और सकती है। सबसे ज्यादा बड़ी है देश की शांति, भारत की संप्रभुता, मैं तो कह रहा हूँ भारत की आजादी। भाई ये बताइए, सोशल मीडिया सबसे मजबूत किसकी मानी जाती है? भाजपा की। इन्होंने न प्रचलन शुरू किया न होता, न विपक्ष वाले इनके सपोर्ट इनके सामने खड़े होते। ठीक है, केसी जैन जी दीजिए जवाब। ठीक है विवेक जी, केसी जैन जी से जवाब ले लेके कुछ बोलना चाह रहे थे वो बहुत देर से। कीर्ति जी देखिए, अभी विवेक जी ने कहा, बार बार कहा, जब भी आपने गाजियाबाद का प्रकरण उठाया कि जबरन जैसी राम कराया गया और वो तरीके से वीडियो शेयर किया था, उससे भी कुछ बोल दीजिएगा कैसी जैन जी। लेकिन संबित पात्रा को जांच के नाम वीडियो वही से सारी समस्या शुरू हुई है, पहले से उठा देना आपको कैसे दरकिनार कर देंगे, किसी को बदनाम कर देना ये केवल एक मुद्दा नहीं है। किसी लड़की को बदनाम कर दिया जाए, किसी नेता अभिनेता, बार बार केसी जैन जी वही एग्जांपल, बार बार केसी जैन जी वही एग्जांपल, मैं समझ गई हूँ वो एग्जांपल। एक बात कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर सोशल मीडिया की गाइडलाइन एक बनी है कि जो आपत्तिजनक पोस्ट है अगर उस पर आपत्ति आती है उसका निस्तारण हो, उन पोस्टों को 36 घंटे के अंदर हटाया जाए, अपने आप होता है 36 घंटे से आपका जवाब देने के लिए रुद्र जी ने मुझे आजम खान के खिलाफ बोलने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो ये तो भाजपा के समय भी हो रहा है। जो वो ये तो आपके समय में भी हुआ ना, यही तो चीज वो बताना चाह रहे हैं कि समय समय की बात नहीं है, सिर्फ पक्ष और विपक्ष की बात है। मैं बता रहा हूँ, देखिए बात पक्ष विपक्ष की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर रविशंकर प्रसाद जी ने, केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने, देखिए मैं बिल्कुल मानती हूँ ये हर सरकार में होता है, नियम बनाए, देखिए समय के साथ लोगों में बदलाव की आवश्यकता थी और बात हो रही है और अभी आपने बोला कर है देश की सुरक्षा के लिए, देश के हित के लिए नियम बनाए गए। ये जो राजनीतिक रोटियां है ना, ये आप लोग सेकना थोड़ा बंद करिए प्लीज। निष्पक्षता से जांच होनी जरूरी है, फेक न्यूज कोई भी फैलाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी जरूरी है, बिल्कुल आम जनता की, लेकिन आजादी को छीनना यहाँ जरूरी नहीं है, ये भी मानिए जी।
नहीं नहीं कीर्ति जी देखिए ये आम जनता के लिए ही नियम है और फेक न्यूज किसी के खिलाफ भी हो सकता है, किसी के भी खिलाफ हो सकती है। क्या विपक्ष के खिलाफ फेक न्यूज नहीं हो सकती है? एक एक करके बोलेंगे आपको समझ में आएगा। प्लीज केसी जैन जी और विवेक जी प्लीज एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। जी केसी जैन जी पहले आप बोलिए। देखिए जो जितनी भी फेक न्यूज है उस पर रोक लगाने इस तरीके इनकी शिकायत ट्विटर को मिले उन शिकायतों का निस्तारण करें और उन पोस्टों को हटाएं जो आपत्तिजनक है अश्लील है। इसमें ट्विटर को क्या आपत्ति है? वो सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए नहीं होना चाहिए केसी जैन जी, फिर वो हर किसी के लिए होना चाहिए और यही एक्शन दिखाई पड़ना चाहिए मुझे। नहीं ये सबके लिए देखिए ये जो नियम है देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश में भाईचारा कायम रखने के लिए इन नियमों की आवश्यकता थी। इनमें से नियम कौन सा गलत है ये बता दे विपक्ष के लोग, वो चाहे समाजवादी क्यों या कांग्रेस क्यों, जो नियम बनाए गए हैं इनको इन नियमों में से किस नियम पे आपत्ति है? ठीक है रुद्र जी, आपने जो ये चीज दिखाई जिस तरह से लगातार आपको भी समझ में आ गया होगा कि सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है प्लेटफॉर्म के जरिए। एक सेकंड केसी जैन जी, मैंने आपको बहुत समय दिया है प्लीज। नहीं नहीं प्लीज, आपत्ति ट्विटर को भी नहीं है, ट्विटर को भी नियमों पे आपत्ति नहीं, क्यों उसको फॉलो नहीं कर रहे? अच्छा नियम पे आपत्ति नहीं फॉलो नहीं करे तो फॉलो करवाने का काम आपका है, करिए उस पे एक्शन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कीर्ति जी, हमसे ही कमाई कर रहे हैं वो और हमारे देश में रह के हमारी गाइडलाइंस को नहीं मान रहे, किस तरह की आपकी सरकार है? फिर आपको जरूरी है कि आप इन तरह के सोशल मीडिया साइट्स पर कार्रवाई करें। देखिए जो जो मध्यस्थता का जो नियम है और ये अगर वो स्रोत नहीं बताते हैं कि किस स्रोतों से इस तरीके की अफवाह फैली पाबंदियां बढ़ाने की जरूरत है या ट्विटर को बैन करने की इस वक्त जरूरत आ गई है? देखिए सबसे पहले तो हमें एक राज्य और देश की तरफ जाने की जरूरत है, हम इसे पक्ष विपक्ष नहीं कर सकते। मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर है कि कहाँ पे कर्नाटक की पिछली सरकार ने भी मुकदमा दर्ज कराया और इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश की भी पिछली भी सरकार में दर्ज कराया गया और इस सरकार में भी दर्ज कराया गया। ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं, ये उत्तर प्रदेश बनाम ट्विटर रखिए इसको, देश बनाम ट्विटर रखिए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। हमारा आपके करने में चीज़ें बहुत बिगड़ती हैं और ट्विटर इसी का फायदा उठाता है। सबसे पहले जो ट्विटर को सुधार करना चाहिए वो अपने सोर्सेज बताने चाहिए, वो कहाँ से खबर जन्मी। अगर गाजीपुर में कहीं पे दंगा हो रहा है तो वो पहला सोर्स कहाँ था जो इस तरह की खबर आई? ये ट्विटर को शेयर करना ही चाहिए अगर यूपी पुलिस उनसे जवाब मांगे या एक्स वाई जेड कहीं की भी पुलिस जवाब मांगे। दूसरी बात, ट्विटर को पर्सनल जो हैशटैग कमेंट होते हैं उनसे हैशटैग से बचना चाहिए, उनको मुद्दे के हैशटैग को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे याद है बहुत अच्छे से कि विपक्ष के एक नेता को नपुंसक करके उस पर हैशटैग चलाया गया था। इस तरह के डेरोगेटरी हैशटैग से बचना चाहिए क्योंकि ये वो किसी नेता के लिए नहीं होता, नेता का भी एक परिवार ही होता है, उसके भी बच्चे होते हैं, उन सबकी भी एक गरिमा होती है। जो सार्वजनिक जीवन में काम करने आए उस व्यक्ति के ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। तो ट्विटर को पर्सनल डेरोगेटरी हैशटैग से बचना चाहिए, यह भारत की गरिमा के लिए भी आवश्यक है और पक्ष विपक्ष के लिए भी आवश्यक है। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, भारत सरकार ही तय करेगी, इंटरनेट कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हुए लोग ये नहीं तय करेंगे कि दुनिया के लिए बेहतर वो कैसे कर सकते हैं। ये इसके लिए सरकार चुनी जाती है, MLA चुने जाते हैं, MP चुने जाते हैं, उन पे हमको भरोसा है, वो तय करेंगे कि दुनिया कैसे बेहतर हो सकती है, हमारा देश कैसे बेहतर हो सकता है। बिल्कुल रुद्र जी, आपने जो तमाम बातें कही वो जरूरी है क्योंकि हमें सबसे जरूरी हो जाता है जानना कि ये कहां से शुरुआत इसकी कहां से हुई, उस कड़ी को खंगालने की जरूरत है और उस पर इन्वेस्टिगेशन बैठाने की और उन तमाम आरोपियों को पकड़ने की जरूरत है। किसी जैन जी इस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो 7 दिन का वक्त ट्विटर के MD को दे दिया गया है, जवाब दे ही देनी होगी कि किस वजह से लगा ट्विटर अपनी मनमानी कर रहा है। भारत भी सख्त नजर आ रहा है ट्विटर के खिलाफ। अब देखना यह होगा कि भारत के MD महेश्वरी जी किस तरह से इस पूरी बात को लेकर सामने आते हैं और ट्विटर की मनमानी किस हद तक आगे बढ़ती है। जिस तरह से अब बात आती है देश की अखंडता, देश की शांति, देश के संप्रदाय को बनाने की, तो उस पर एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और हालांकि जो बातें कही जा रही, रविशंकर प्रसाद जी ने भी जिस तरह की गाइडलाइंस जारी करी है उस पर ट्विटर अब अपना रुख किस तरह से पेश करता है यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम TV।